कोतवाली थाना क्षेत्र के तहत ग्वालियर बाईपास पर स्थित होटल स्टार गोल्ड पर गोलीबारी की घटना सामने आई है। मामले में पुलिस ने केस दर्ज कर बदमाशों की तलाश शुरू कर दी है। मिली जानकारी के अनुसार गुरुवार शुक्रवार की रात करीब 2:30 बजे होटल स्टार गोल्ड पर दो लोग आए और यहां पर अपने चेहरे को पूरी तरह से ढके हुए थे। दोनों लोगों ने होटल के मेन गेट को खटखटाया, फिर जिस होटल में स्थित कर्मचारी आया, दोनों लोगों ने कर्मचारियों से दरवाजा खोलने के लिए कहा, जिस पर कर्मचारी दरवाजा ना खोलने से बाद बदमाशों ने अपनी जेब से कट्टा निकाला और दो फायर कर दिए, जिसमें होटल के मेन गेट का कांच चकनाचूर हो गया, लेकिन किसी के हताहत होने की जानकारी सामने नहीं आई है। फायर करने के बाद दोनों लोग मौके से भाग गए। शिवपुर से यूसुफ खान की रिपोर्ट। रात को गोलीकांड हुआ स्टार गोल्ड होटल में, सर इसके बारे में क्या कहना है? रात को एक सूचना आई थी करीबन 2:30 के बीच में, उसमें स्टार गोल्ड होटल जो है उस पर कोई दो व्यक्ति चेहरा ढके हुए थे, आए थे और इन्होंने वहाँ पे फायर किया। तो उस टाइम पे जब सूचना मिली थी पुलिस को, तो गश्त के अधिकारी और TI कोतवाली वगैरह मौके पे पहुँच गए थे और उसमें प्रकरण पंजीबद्ध किया है। अभी अज्ञात के खिलाफ प्रकरण पंजीबद्ध हुआ है और उनकी जांच कर रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। हमको उम्मीद है जल्दी से हम पता लगाएंगे कि क्या हुआ, किस कौन लोग थे ये, किस तरह की उद्देश्य था उनका और कौन लोग थे। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज़। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।